कोई कोई चीज़ें हमें लगती है कि कोई भी काम की नहीं है, इसका कुछ भी यूज़ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। जो पुराने बेल्ट है, टूटे हुए बेल्ट है, वो जनरली हम थ्रो कर देते हैं। उससे हम अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र कैसे बना सकते हैं, वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैंने पहला पार्ट है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपने मिस कर दिया हो तो वो देख सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे से ऑर्गेनाइज़र मैंने उसमें बताए हैं। तो ये है अभी सेकंड पार्ट, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास है वाइट कलर की बेल्ट है। तो यहाँ पर एक टुकड़ा हमें कट कर लेना है। फिर इस तरह से आपके पास कोई भी लेस वगैरह हो या इस तरह से कोई भी चीज़ हो, बटन्स हो, मिरर हो, इसमें से अच्छा सा एक किचन बना सकते हो। तो यहाँ पर एक टुकड़ा बेल्ट का कट कर लिया है और मेरे पास मिरर्स थे तो मैंने इसमें लगा दिए हैं। और इसमें होल भी आपको ऊपर की साइड करना है, इजीली नाइफ से हो जाता है। और फिर आपको क्या करना है, ग्लू गन से यहाँ पर मिरर आपको लगा देना है। कोई भी जो है पैटर्न में आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से लगाए हैं। और फिर जो हमने होल किया है उसमें हमने किचन की जो रिंग है उसको लगा देना है। यहाँ पर मेरे पास इस तरह से है तो आप देख सकते हो ऊपर की इस तरह से क्लिप है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इजीली जो होल है उसमें लगा सकती हूँ। और आपके पास ना हो तो किचन की जो रिंग है उसमें भी आप इजीली इसको इंसर्ट कर सकते हो। या फिर आप रिंग में पिरो दो और ऊपर की क्लिप से कोई पर्स हो या बच्चों के लिए स्कूल बैग हो उसमें भी जो है हैंग कर सकते हो। और एक अच्छा सा आप देख सकते हो किचन की रिंग बन के रेडी हो गई है और इतनी अच्छी लग रही है। आप चाहो तो नीचे का बेल्ट का कलर वगैरह भी कर सकते हो या कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हो, पर मुझे इसी तरह का किचन मुझे चाहिए था। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो और इसमें से कोई भी एक आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। उसी तरह से जो बेल्ट हमारे हैं उसके इस बकल रहते हैं उसका भी यूज़ हम एज ए ऑर्गेनाइज़र कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक स्पेस सेविंग आइडिया भी हुए। और क्या है कि हम कमांड हुक जिस तरह से लगाते हैं उसी तरह से इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो नाइफ से मैंने इसको निकाल दिया है। और फिर हम क्या करेंगे, ग्लू गन से कपबोर्ड के साइड वाले जो डोर रहते हैं उसमें हम लगा देंगे एक साथ। आप बहुत सारे भी लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने एक लगाकर आपको दिखाया है और बहुत सारे कपड़े इस पर हैंग कर सकते हो। और आप किचन में ड्रेसर के साइड वाले ड्रॉवर में भी इसका यूज़ कर सकते हो। उसी तरह आप देख सकते हो इस तरह की चेयर प्लास्टिक की हो या आयरन की हो या कोई भी मटेरियल की हो या फिर इस तरह का सेंटर टेबल हो, तो क्या रहता है कि वो नीचे घिसता है तो टाइल्स में स्क्रैचेस हो जाते हैं। और अगर आपका स्टडी रूम में चेयर लगी रहती है तो पेंसिल वगैरह के स्क्रैचेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से मैं चार जो है टुकड़े बेल्ट के कट कर लूँगी और फिर मैं क्या करूँगी, ये चारों टुकड़े को ग्लू गन की हेल्प से चेयर के बेस में लगा दूंगी। और यहाँ पर आप अगर जो स्टडी टेबल है और चेयर की हाइट अगर शॉर्ट है तो उसको बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बेल्ट के तीन चार टुकड़ों को जॉइंट करके ग्लू गन से लगा सकते हो तो भी चेयर की हाइट बढ़ जाती है। और इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रफ वाला पार्ट है और ये जो है स्मूथ वाला पार्ट है। तो इसको हम ऊपर रखेंगे और जो रफ वाला पार्ट है उसको नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छे से इसको हमने चिपका दिया है। तो क्या रहेगा, जितनी भी चेयर आपके बच्चे यहाँ से वहाँ करते हैं तो कोई भी टाइल्स में स्क्रैचेस नहीं होंगे। और क्या रहेगा, और आपकी चेयर भी सिक्योर रहेगी। और आप चाहो तो जो जैसी भी आपकी चेयर की नीचे का बेस का पैटर्न है उस हिसाब से बेल्ट को उस डिज़ाइन में कट करो और फिर लगाओ।
और उसी तरह कोई भी आपका बेल्ट हो, पुराना हो चुका हो, या बॉय का हो, गर्ल का बनाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि इस तरह सा कोई भी जो आपके पास नेकलेस हो, बटन्स हो, पोम पोम हो, टेसल हो, बहुत सारी चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट की हमारे घर में ऑलरेडी रहती है। तो यहाँ पर मैंने जो बेल्ट है मेरी बच्ची की साइज़ का कट कर लिया है, और फिर मेरे पास इस तरह का नेकलेस पड़ा हुआ था, तो ग्लू गन की हेल्प से मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है, वो और एक अच्छा सा बेल्ट बन चुका है। आप देख सकते हो सेंट्रल में इसको हमें लगाना है, वो और ये थोड़ा डायमंड का है तो थोड़ा अच्छा सा लुक दिखाई नहीं दे रहा कैमरा में, पर बहुत ही अच्छा सा ये जो बेल्ट है हमारा कन्वर्ट हो चुका था एक अच्छे से बेल्ट में। उसी तरह हमारे पास इस तरह के लेदर के पर्सेस बहुत सारे रहते हैं, कभी कभी वो ख़राब हो जाते हैं, ऊपर का लेदर निकल जाता है, कभी कभी बेल्ट ख़राब हो जाते हैं घिस कर, तो आप क्या कोई भी बेल्ट का यहाँ पर एज हैंडल यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह के बैकपैक हो पीछे की ओर, आप देख सकते हो यहाँ पर ये बेल्ट दिए गए हैं, पर आपको शोल्डर में रखना हो तो यहाँ पर बेल्ट नहीं है, तो इस तरह के बेल्ट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास इस तरह के डिज़ाइन वाले बेल्ट ना हो तो सिंपल बेल्ट में आप यान या फिर जूट वगैरह रैप करके भी एक अच्छा सा हैंडल बना सकते हो। यहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगी दोनों साइड, और फिर सुई धागे की हेल्प से यहाँ से हमें अटैच कर देना है, आप देख सकते हो किस तरह से, और आपका पर्स का भी लुक एकदम ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं इस तरह से जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ। कोई भी फ्लाइट में हम ट्रैवलिंग करते हैं तो इस तरह की हैंडबैग हम ले जाना प्रीफर करते हैं, या फ्लाइट भी ना हो तो भी जो भी व्हीकल से हम ट्रैवलिंग करते हैं तो ये सारी बैग रहती है, तो उसको अच्छे से टाइट बांधने के लिए हम कोई भी डोरी वगैरह का यूज़ करते हैं। और कभी कभी फ्लाइट में तो क्या होता है कि सेम कलर की बैग ही हमको दिखाई देती है, ज़्यादातर रहती भी है, तो हम इस तरह से बेल्ट को बांधेंगे तो ये मार्क्स भी रह जाएगा कि ये हमारी बैग है, या ऊपर से ये सिक्योर भी रहेगी, खुलेगी भी नहीं। जनरली हम क्या करते हैं, प्लास्टिक से रैप करते हैं, रैप करने के बाद आस इस तरह से बेल्ट लगा दो तो क्या रहेगा, मार्क्स भी रहेगा और खींचने में भी उससे आसानी रहेगी। उसी तरह से हम कपड़े वगैरह कोई भी बोरी वगैरह हो या प्लास्टिक के इस तरह से हम रखते हैं तो उसको बांधने के लिए डोरी का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप बेल्ट का यूज़ कर सकते हो और इसे एडजस्ट भी कर सकते हो। उसी तरह इस तरह से बास्केट वगैरह हो या इस तरह का थर्मोकोल का कोई बॉक्स हो या लॉन्ड्री बास्केट हो तो हैंडल नहीं रहते या फिर टूट जाते हैं, तो आप इस तरह से बेल्ट का यूज़ कर सकते हो अंदर की ओर सुई धागे की हेल्प से। इस तरह से आपको हैंडल क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर मेरा लॉन्ड्री बास्केट में तो हैंडल है, पर मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि बेल्ट से आप किसी भी ऑर्गेनाइज़र का या बास्केट का हैंडल ईजीली बना सकते हो। तो ये सारे ही हैक्स आपको कैसे लगे, कौन सा हैक्स आपको पसंद आया, वो कमेंट कर कर जरूर बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।